नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो फर्स्ट एक क्वेश्चन था यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगनर और होम्स वाला। बैगनर बहुत बनता है क्वेश्चन, और होम्स वाला दोनों याद कर लिए तो सेकेंड यूनिट से फंस ही जाएगा एक ना एक, ठीक है। ये तो बस आपको क्या है, याद करना है। इस क्वेश्चन जो है भूकंप वाला क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादातर आपको याद करना पड़ता है। मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से याद करना है, ठीक है भाई। कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं मैं आपको याद करने को दूंगा, बाकी मैं सारा जैसा आपको याद करा ही दूंगा। तो बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड करा है ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया है क्या तथा ज्वालामुखी के प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। इसके प्रकारों का क्या करना है आपको, वर्णन करना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं आगे की ओर। अच्छा कोई बात नहीं, अथवा या अथवा में क्वेश्चन यह भी देखने को मिल सकता है कि ज्वालामुखी का अर्थ समझाते हुए ज्वालामुखी से बनने वाले प्रमुख भू आकारों का सचित्र वर्णन कीजिएगा। सचित्र नहीं कहेगा आपसे, ठीक है, भू आकारों का वर्णन कीजिएगा, बस इतना कहेगा, चित्र माने को नहीं कहेगा, कहेगा तो देख भी लेंगे, ठीक है आगे की ओर। तो बात करते हैं उत्तर। पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी ज्वालामुखी का अर्थ। ज्वालामुखी है क्या, इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखोगे ना पहले, तो भाई लिखने को दे रखा है ज्वालामुखी का अर्थ। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्वाला का मुख, अर्थात आग उगलने वाला मुख से है। ज्वाला का मुख आग उगलने वाले मुख से हो जाता है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर गैस होता लावा की उत्पत्ति लेकर, लावा की उत्पत्ति से लेकर तथा पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। अंदर बाहर की सभी अवस्थाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। थोड़ी लिख दी, कुछ नहीं था, आराम से लिख सकते थे इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा किस किस ने दी। पहली हो जाती है मॉक हाउस ने, याद कर लो, दो की याद कर लेना, तीन की दे रखी है, मॉक हाउस नाम याद कर लो, थ्योरी तो वही है ना, थ्योरी तो वही है। रेखा के अनुसार किसके, मॉक हाउस के अनुसार रेखा है ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं, ज्वालामुखी जो है वो भूपटल के वह छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा। अब जब पृथ्वी के बाहर जो आ जाता है ना, फट जाता है जब ज्वालामुखी, बाहर निकलता है तो उसी को क्या कहते हैं, लावा। अंदर रहेगा मैग्मा, बाहर निकल जाएगा तो लावा। तो भाई रखा है ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिससे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। बिल्कुल इजी परिभाषा है, याद क्या करना है आपके लिए, किसने दी है ना, तो मॉक हाउस ने। नोट्स कहां मिलेगा, नोट्स मिलेगा भाई डिस्क्रिप्शन में, नोट्स डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर आप www.paperhacker.in पर जाओगे, वहां पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। बात करते हैं अगले, बाकी सब वही दे रखा है इसमें भी। आगे देखो, ये अपना हो जाता है ट्रिवार्थ के अनुसार, जो ट्रिवार्थ थे और इसके अनुसार परिभाषा क्या है, वही है, देखो ध्यान से। वे सभी प्रक्रियाएं हैं जिसमें द्रवित शैल, जो द्रवित शैल होते हैं आपको पता है, पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, शैलित होती हैं, और शैल क्या होते हैं, रेडिएटर तत्व होते हैं, उसके तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, कहीं कहीं पिघल जाते हैं। वही देखा है, द्रवित शैल पृथ्वी की गहराई से भूपटल के बाहर निकलती है, किसके भूपटल के बाहर निकलती है, ज्वालामुखी कहलाती है। इजी है ये भी, है ना, यहां पर द्रव्य शैलों की बात हो गई, यहां पर डायरेक्टली परिभाषा कहती लावा क्या निकलता है, बाहर। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं ट्रिवार्थ के अनुसार, जो ट्रिवार्थ हैं उनके अनुसार देख लेते हैं। अब हमने किसका देखा, और ये ट्रिवार्थ के अनुसार ही देखे थे, ठीक है। यहां पर बार सेटर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बार सेटर देख लेते हैं। तो बार सेटर के अनुसार क्या है, ये हो जाता है ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है। ज्वालामुखी है क्या, एक गोलाकार छिद्र होता है, कहां हो गया, छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तृप्त भूपट, तृप्त जो भूगर्भ होता है, तृप्त तप्त मतलब गर्म, पिघला हुआ जो भूगर्भ से क्या होती है, गैसें, जल, तरल लावा, शैलखंड आदि भूपटल पर निस्रत होते हैं या फिर भूपटल पर निकलते हैं, इसके अनुसार, ठीक है, वही दे रखा है। और ट्रिवार्थ के अनुसार हमने देख ली, तो आपको क्या करना है, तीन में से दो की परिभाषा, परिभाषा तो लिखी दोगे आप, ठीक है, मगर नाम आपको याद होने चाहिए, बस नाम याद कर लीजिएगा, या फिर दो के नाम याद कर लो, पहला कर लो, चलो मॉक हाउस और बार सेटर, दोनों के आप लिख सकते हो, ठीक है। हेड देखो, आपको बस मेन हेडिंग याद होनी चाहिए, बाकी तो आप लिख ही सकते हो आराम से, इतना तो पता है, कंफर्म है, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, देखेंगे ज्वालामुखी की रचना, ज्वालामुखी की रचना होती कैसे है। तो बात करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके लिए छोटा दिख रहा है मुझे, तो
ठीक है, ज्वालामुखी की रचना की बात करते हैं तो ज्वालामुखी वृत्ताकार एक या अनेक छिद्र अथवा दरार के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? या तो एक छिद्र होगा या फिर अनेक छिद्र होंगे या तो दरार के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस छिद्र का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से होता है, पृथ्वी के अंदर के भूभाग से होता है, आंतरिक भूभाग से होता है, जिससे गर्म लावा तप्त गैसे, गर्म लावा तप्त गैसे, ऊष्म जल, अन्य पदार्थ निकलते हैं, जिसके बड़े मुख को क्या कहते हैं भाई? कोल्डेरा। क्या कहते हैं? सॉरी, कैल्डेरा। कैल्डेरा बड़ा मुख जो होगा, क्रेटर कहते हैं इसे। तो चलो कोई बात नहीं, कैल्डेरा देखा है, कैल्डेरा याद कर लो। कहते हैं छिद्र के चारों ओर राख के शंकुनुमा आकार के जमाव को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जो ये जम जाता है ना, तिकोना बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, उसके जमाव को। ठीक है, लावा के जमाव से जो पर्वत बनता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया एवं कारण। अब क्या देखेंगे? ज्वालामुखी उद्गार की प्रमुख जो प्रक्रिया होती है और कारण कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक डेविस महोदय ज्वालामुखी क्रिया को एक दुर्घटना मानते थे, परंतु बाद में कॉटन, रेटरमैन, ग्रीन, शॉर्ट, बुलर्ड तथा ब्लूम ने ज्वालामुखी का अध्ययन करके भूगर्भ विज्ञान को ज्वालामुखी के संबंध में नवीन ज्ञान एवं विचार प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से विचार हैं इनको हम देखने वाले हैं। दो दो के नाम याद कर लेना और डेविस महोदय याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट कौन सा हो जाता है यहाँ पर विचार। तो फर्स्ट हो जाता है ज्वालामुखी के वितरण से स्पष्ट है। ज्वालामुखी का जो वितरण है उससे स्पष्ट है कि भूपटल के कमजोर क्षेत्रों तथा भूकंप क्षेत्रों में जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। ज्वालामुखी कहाँ होंगे? कमजोर क्षेत्र, जहां पर कमजोर सेल्स होंगे तथा भूकंप क्षेत्र होंगे वहां पर ये ज्वालामुखी जो होते हैं अधिक सक्रिय होते हैं। एक कारण हमारा ये हो जाता है, ये विचार प्रमश किया है। तो बात करते हैं यहां देखो, ये हो जाता है ज्वालामुखी छिद्र। इसका जो मुंह होता है उसे कहते हैं क्रेटर। ये ज्वालामुखी नली हो जाती है, ये अपना शंकुवाकार पर्वत हो जाता है जिसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। आगे देखिएगा, बात करते हैं सेकंड अपना जो हो जाता है वह हो जाता है अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट सागरीय तट क्षेत्रों, क्योंकि सागर बने क्या होंगे? सेल्स कमजोर होंगे, तो सागरीय तट क्षेत्रों में होने के कारण जल से संबंधित है। आपको पता ही है तो भूकंप जो ज्वालामुखी होते हैं किससे होते हैं? जल से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये सागरीय तट क्षेत्रों में होने के कारण ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बैसाल्ट की परत, जो बैसाल्ट की परत होती है कितनी नीचे होती है? 50 किलोमीटर की गहराई पर प्राय मिलती है, जो क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र होता है। जो अपनी बैसाल्ट परत जो होती है, बैसाल्ट सेल्ट होती है, सेल जो होती है वो क्या होती है? ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र होता है, जो कम से कम पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर नीचे की ओर होता है। बात करते हैं हमारा चौथा कौन सा हो जाता है? चौथा हो जाता है ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी विस्फोट में निकले चट्टानों के खंड इस बात के सूचक हैं कि उच्च ताप व विविध प्रकार की चट्टानों के पिघलने से इन शैल खंडों का निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो मैग्मा का निर्माण किससे होता है? रेडिएट तत्वों के ताप के कारण, और जो अपना होता है ना दबाव भी हो जाता है, दबाव के अंतर क्या होता है? ताप बढ़ता है, और भी तो जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? शिलाखंड का निर्माण होता है पिघलने से। बात करते हैं पांचवा, फिर देखा है प्रज्वलित गैसों तरल लावा के निकलने से यह आभास होता है कि भूगर्भ में उच्च ताप ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही, ताप जो है, उच्च ताप जो है ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमुख कारण होता है। बिल्कुल इजी नहीं रखा है ये तो, सारी की सारी हेडिंग जी हैं, आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा है अपना, उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यह ज्ञात होता है कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया निम्न अवस्थाओं में होती है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था होती है भूगर्भ में ताप की वृद्धि। भूगर्भ में ताप की वृद्धि होगी तो ज्वालामुखी क्या होगा? उद्गार होगा। ताप वृद्धि के कारण लावा की उत्पत्ति होगी, ये भी एक बन जाता है। तथा गैस एवं बाष्प
की उत्पत्ति होती है तो पता ही है आपके लिए, और लाबा के ऊपर की ओर अग्रसर होना ये भी क्या होता है, एक इसकी अवस्था है। बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार प्राय निम्नलिखित कारणों से होता है। अब ज्वालामुखी उद्गार किन कारणों से होता है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखा है अपना मैग्मा की उत्पत्ति, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है उसे क्या कहते हैं मैग्मा, और जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं लावा कहा जाता है। तो मैग्मा की उत्पत्ति जो होती है, मैग्मा की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक भागों में उच्च तापमान के कारण चट्टानों के पिघलने से होती है, जो सेल्स होते हैं उनके पिघलने से होती है। मैग्मा में बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है। भूगर्भ में ऊष्मा के स्रोत 5 प्रकार के होते हैं, बताया था ना मैंने कौन कौन से होते हैं। देखो ये तो आग ऊष्मा हो जाती है, इसके कारण भी ताप बढ़ जाता है। रेडिएंट तत्व होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। भूपटल विवर्तनिकी होती है, संकुचन ऊष्मा होती है और संवहन ऊष्मा होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं 5 प्रकार होते हैं ऊष्मा के स्रोत भूकंप के सॉरी ज्वालामुखी के अंदर। तो आपको स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद कर लेना पांचों की पांचों, ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं खावाले की ओर। खाकी बात करते हैं गैसों तथा बाष्पों की उत्पत्ति, गैस और बाष्पों की उत्पत्ति भी होती है। ये भी आपको पता है कि ज्वालामुखी से अनेक गैसें निकलती हैं जिनमें हाइड्रोजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जल बाष्प प्रमुख हैं। इन गैसों की उत्पत्ति जल के भूगर्भिक ताप के संपर्क में आने से होती है, जल के भूगर्भिक ताप के संपर्क में आने से होती है, क्योंकि जल ही क्रिया करके क्या बनाएगा गैसें उत्पन्न करेगा, बाकी अंदर कुछ है थोड़ी। फिर बात करते हैं यह है, जल समुद्र के तटीय भागों वर्षा द्वारा तथा अन्य स्रोतों द्वारा दरारों छिद्रों नलियों से होता हुआ भूगर्भ में पहुंचकर ताप द्वारा गैसों का जल बाष्प में बदल जाता है। आपको बिल्कुल इजीली हो गई हमारी हेडिंग वाली, है ना, गैस और बाष्पों की उत्पत्ति। अब हम देखेंगे भूकंपों की तीव्रता, गाद रखिए हेडिंग नहीं है कोई बात नहीं। भूकंपों की तीव्रता से पृथ्वी के दरारें तथा दिग्गर पड़ जाती हैं, क्या होती हैं सॉरी दरारें और बिदर पड़ जाते हैं, बिदर पता नहीं कन्फर्म किसे नहीं किसे कहते हैं, मगर दरारें कर दो ठीक है, दरारे बा छिद्र हो जाते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे दरारे बा छिद्र हो जाते हैं जिससे लावा बाहर निकलता है, ठीक है भाई। आगे देखिएगा ज्वालामुखी से निष्कासित पदार्थ, अब ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो भूगर्भ से भूगर्भ के आंतरिक भाग में जहां पर मैग्मा का भंडार होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय इन चैम्बर से निम्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, इस चैम्बर से क्या निकलते हैं निम्नलिखित प्रकार के पदार्थ जो होते हैं निकलते हैं। तो पहला रखा है ठोस पदार्थ, अब ठोस पदार्थ के अंदर कौन से आएंगे, तो ज्वालामुखी राख हो जाती है, धूल हो जाती है, ठीक है, और लेपली स्कोरिया ब्रेसिया टफ ज्वालामुखी बम्बा झलक, ये कैसे होते हैं ठोस पदार्थ होते हैं। 3-4 के नाम याद करना पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं तरल पदार्थ, तरल पदार्थ के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ज्वालामुखी उद्गार में लाल तप्त श्वेत रंग को 500 से इतना 1400 सेंटीग्रेड ताप वाला परतप्त लावा निकलता है जो सिलिका की मात्रा के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसको देख लेते हैं लावा, एक लावा होता है कौन सा आम्लिक लावा और एक होता है अपना पैठिक लावा। तो आम्लिक लावा किसे कहते हैं 40 से 70% सिलिका युक्त, 40 से 70% सिलिका युक्त जो होता है अधिक गाढ़ा पीले रंग का तथा वायु के संपर्क में आने से शीघ्र ही जम जाने वाला क्या कहलाता है आम्लिक लावा कहलाता है, ठीक है भाई। आम्लिक लावा क्या होता है 40 से 75% सिलिका युक्त होता है, सिलिका अंतर पाई जाती है इसके, जो अधिक गाढ़ा पीले रंग का था वायु के संपर्क में आने से शीघ्र ही जम जाता है, जिसे आम्लिक लावा कहते हैं। अब देखते हैं पैठिक लावा किसे कहते हैं, तो 40% से कम सिलिका वाला, 40 से कम जो होगा सिलिका वाला पतला दूर दूर तक फैल जाता है, वह लावा काले रंग का होता है, ठीक है, जो धीरे धीरे जमता है पैठिक लावा कहलाता है। जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, तो उस समय जो पहला होता है लावा जिसके अंदर का सिलिका कितनी होती है 40 से 70% होती है, वो क्या होता है तुरंत निकलता है वहीं पर जम जाता है, जो ढेर बन जाता है वहीं पर, ठीक है। और जो बाद में जो निकलता है काला लावा वो क्या होता है
पैठे के लावा हो जाता है, दूर तक फैलता है, जो देर में जमता है। ठीक है, तो दोनों को याद करेंगे, एक होता है आमले के लावा और एक पैठे के लावा। ठीक है, दोनों के नाम याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अब सा ऑप्शन की ओर, जो हो जाता है गैसीय पदार्थ। अब गैसीय पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं इनको देखते हैं। तो पहला हो जाता है CO2, गंधक, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, आर्गन तथा जलवाष्प ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। चार पांच के याद कर लेना, बाकी आधे लिख देना। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ भाई। अरे हुआ क्या, रुकिएगा। ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा सा रुकिएगा। क्या हो रहा है ये, मैं क्या हुआ भाई, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ओनली वन मिनट, थोड़ा सा रुकेगा, देखते हैं भाई क्या होता है इसमें। अरे ये चल ही नहीं रहा भाई, ऐसा क्यों, थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा ओनली। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं दोबारा, हो जा भाई, हो जा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो, अभी ओनली वन मिनट। ठीक है, अभी रुकेगा, थोड़ा सा रुकेगा। बिल्कुल ठीक है, हो गया काम, हो गया, हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गैसों तक देख लिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। अब हम क्या देखने वाले हैं भाई, ज्वालामुखी के प्रकार देखने वाले हैं। ज्वालामुखी प्रकार हमारी हेडिंग होती है टाइप ऑफ बेलकॉन्स। ठीक है, तो बात करते हैं, विश्व में कई प्रकार के ज्वालामुखी मिलते हैं, जिसमें लैक्रेक्स ने 1908 में ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर तथा कॉटन ने 1944 में निष्कासित पदार्थ की भिन्नता के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया है। ठीक है भाई, किस किस ने, पहले हो जाते हैं लैक्रेट्स, लैक्रेक्स ने, और दूसरे हो जाते हैं कॉटन। दोनों के नाम याद करना पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने उद्गार के आधार पर, और इन्होंने क्या किया था, निष्कासित पदार्थ की विभिन्नता के आधार पर, निष्कासित मतलब जो पदार्थ निकलते हैं उनके आधार पर, उन्होंने उद्गार के आधार पर। ठीक है, बात करते हैं ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, इसको देखते हैं। तो बात करते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, जो केंद्र के उद्गार द्वारा निकलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं किसी नलिका या फिर केंद्रीय मुख के भयंकर विस्फोट के साथ धुआं, जलवाष्प, शिलाखंड, लावा बहुत ऊंचाई तक जाता है तथा प्राय शंकु का निर्माण करता है, प्राय शंकु का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। यहां पर फटा और कैसा शंकु बना दिया, ये गैसे हैं, गैसे धुआं, शंकु बन गया। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। पदार्थों की प्राप्ति शंकु के प्रकार तथा सक्रियता के आधार पर इनको पांच वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा हो जाता है स्ट्रांबोलियन तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा हो जाता है बालकोनियम तुल्य ज्वालामुखी, चौथा हो जाता है अपना विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, और पांचवा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, और दूसरा अपना हो जाता है, यहां से पांच की पांच याद करना पड़ेंगे भी आपको। ऐसा करो, पांच नहीं तो तीन तो याद कर ही लेना, पांच ना कर पाओ तो तीन तो याद आपको करना पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो बात करते हैं, आप देखते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, जो दरार से उत्पन्न होते हैं। तो जब लावा का उद्गार एक नली से ना होकर लंबी दरार के रूप में धीमी गति से होता है तथा दूर दूर तक फैलकर पठारी क्षेत्रों का निर्माण करता है, तो इसको दरारी क्या कहते हैं भाई, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। दक्कन का पठार, कोलंबिया, ब्राजील का पठार, इसी प्रकार के
उद्गारों से संबंधित हैं। कौन सा? अपना दक्कन का पठार हो जाता है, कोलंबिया का और ब्राजील का पठार। दो याद कर लो या तीनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दरारी ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो दक्कन का पठार, कोलंबिया और ब्राजील का पठार। ठीक है, अब यहां पर आपको देखें रेखे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, ये देखिएगा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी क्या बनना है। यहां पर देखो, यहां पर भी शंकु बनते हुए, यहां पर भी शंकु बनते हुए, यहां पर भी शंकु बनना है, यहां पर भी शंकु, ठीक है, और यहां पर देखो, ये देखो शंकु बन गया। ठीक है, आगे देखो, ये भी देखिएगा शंकु ही बना है, ये देखो शंकु बन गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये अपने दरार वाली हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे हो जाते हैं, अगर बनाने को दे दे इस प्रकार से बना देना, नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाबाला कह रहा है अपना कि उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। अब तक हमने क्या देखा? केंद्र के अनुसार, सिर्फ उद्गार के अनुसार। अब हम देखेंगे उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। अवधि कौन सी है? तो उद्गार के समय अंतर के अनुसार इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी कैसे कहेंगे? सक्रिय मतलब जो हमेशा सक्रिय रहे। जैसे रखा है, जैसे लावा, राख, गैस, ज्वालामुखी, जलने वाले ज्वालामुखी इस वर्ग में आते हैं। यथा ट्रांबोली, जो स्टांबोली है, और अपना हो जाता है लिपारी। ठीक है, दोनों की दोनों क्या है? ये अपने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनको याद करना। और ये हमेशा बहते हैं, मतलब क्या है, ये साल के कह सकते हैं हमेशा ये सक्रिय रहते हैं। ठीक है, हमेशा ये लावा फेंकते ही रहते हैं। आगे देखा है तुम्हारा प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब उद्गार के पश्चात कुछ समय शांत रहते हैं तथा अचानक पुनः सक्रिय हो जाते हैं। ये भीषण एवं विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं? भीषण तथा विनाशकारी होते हैं। विसुबियन 700 वर्षों के बाद था कोलंबिया का, जो अपना हो जाता है नेवादो डेल, 390 वर्ष बाद फूट पड़े थे। दोनों के याद कर लो, एक अपना हो जाता है कौन सा? विसुबियन, विसुबियस, और एक हो जाता है अपना नेवादो डेल। ठीक है भाई, आगे देखो थर्ड प्रकार का कौन सा हो जाता है। थर्ड प्रकार की बात करते हैं, क्या हो रहा है इसमें हेडिंग में, थर्ड प्रकार की बात करते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? एक बार उद्गार के पश्चात सदैव के लिए शांत पड़ जाने वाले ज्वालामुखी, जैसे कि ईरान का कोहे कुल्तान तथा बर्मा का हो जाता है, म्यांमार का हो जाता है पोपा आदि। तो तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी सक्रिय, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ज्वालामुखी जब क्रिया हुई, उद्गार हुआ, तो कौन को किस प्रकार की कौन कौन सी आकृतियां होती, स्थलाकृतियां होती हैं, उनको यहां पर आपको दर्शाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से मैग्मा, राख, गैस एवं विशाल खंड के भूगर्भ से निकलकर धरातल पर जमा हो जाने से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पहले देखा है बृहा स्थलाकृति। कौन सी? बृहा स्थलाकृति। ये धरातल के ऊपर निर्मित होती है, जिसको दो वर्गों में रख सकते हैं। तो पहला होता है ऊंचे उठे भाग। क्या चीज? ऊंचे उठे भाग। तो बात करते हैं ऊंचे उठे भाग कौन सा होता है। भूपटल पर रखा लावा या फिर शिलाखंड द्वारा शंकुनुमा आकृति बन जाती है, जो आकार, फैलाव तथा संरचना के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। तो उसे क्या कहते हैं? ऊंचे उठे भाग कहलाते हैं। जैसे कि पहले रखा है सिलेंडर शंकु, ऐसा है, सिलेंडर भी कह सकते हैं, सिलेंडर शंकु है। ठीक है, तो बात करते हैं राख के शंकुनुमा ढीले डेर को, इसके ढीले डेर को सिलेंडर शंकु कहते हैं। मैक्सिको का जैसा हो जाता है, मैक्सिको का जोरिल्लो, और अपना हो जाता है फिल्पाइन, फिल्पाइन कालजूस शंकु। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृतियां हैं, इनके नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने बताया आपके लिए, ये थोड़ा आपको टप पड़ने वाला है। ठीक है, मगर आप एक बार इसे सिर्फ सुन लीजिएगा, सिर्फ सुन भी लोगे ना, तब भी थोड़ी आप बना बनाकर थोड़ा थोड़ा लिखाओगे। ठीक है, अगर याद करना चाहो तो अच्छे प्रकार से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आगे पूछाते हैं क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड वाला, मिश्रित शंकु किसे कहते हैं। तो केंद्रीय तथा दरारी उद्गारों से निष्कासित, किसके? केंद्र वाले से और दरारी उद्गारों से निष्कासित पदार्थों से बने सामांतर परतों वाले
स्थिर शंकुओं को मिश्रित शंकु कहते हैं। जापान का जो हो जाता है कौन सा, फ्यूजी माया शंकु। कौन सा, जापान का फ्यूजी माया शंकु जो है दरारों केंद्र से दोनों से निर्मित है। तो बात करते थर्ड वाला, ये हो जाता है अपना परिपोषित शंकु। किसका, परिपोषित शंकु मतलब मुख शंकु का छिद्र बंद हो जाने तथा छोटी छोटी नलिकाओं के फूटने से शंकु के उद्गार गौण शंकुओं के बन जाने को ही क्या कहते हैं, परिशोषित शंकु कहते हैं। जैसे कि अमेरिका का सिस्ता और माउंट रास्ता, ठीक है भाई, दोनों के नाम याद कर सकते हो या एक नाम तो आपको याद होना चाहिए, जो हो जाता है परिशोषित शंकु। ठीक है, मैन छिद्र बंद हो गया और सारे छिद्र खुल गए। आगे देखिएगा फोर वाला कौन सा है, फोर वाला कह रहा है अपना पैठिक लाभा शंकु। कौन सा, पैठिक लाभा शंकु। देखा है लाभा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण दूर दूर तक फैलकर बने कम ढाल वाले शंकु इस वर्ग में आते हैं। कैसे, कम ढाल वाले, लाबा के सिलिका की मात्रा कम होने, सिलिका की मात्रा कम होने के कारण दूर दूर तक फैल कर बने कम ढाल वाले शंकु इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हवाई द्वीप के शंकु इसी प्रकार के होते हैं। कहां के, हवाई द्वीप के। बाकी बढ़ते हैं आम्लिक लाबा शंकु। कौन सा, आम्लिक लाबा शंकु। तो आम्लिक लाबा शंकु आकृति कौन सी होती है, अधिक सिलिकायुक्त। कैसे, अधिक सिलिकायुक्त गाढ़े चिपचिपे लाभा से बने तीव्र ढाल वाले शंकु ऊंचे शंकु इस वर्ग में आते हैं। यथा जैसे रखा है अपना स्ट्रॉम्बली शंकु। कौन सा, स्ट्रॉम्बली शंकु। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपना पांचवा छठा। ठीक है भाई, बात करते हैं लाभा लब शंकु। कौन सा, लाभा लब शंकु की आकृति कौन सी होती है, दरारी उद्गार होने पर शंकु के किनारों पर गैसों के बुलबुले फटने से लघु तथा आवश्यक शंकु इस वर्ग में आते हैं। गैसों के बुलबुले से बनते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा लाभा का शंकु मतलब दरारी उद्गार से उड़ रहे हैं, उग रहे हैं तथा इसके अंदर क्या है, छिद्र हैं। ठीक है भाई, जो किससे बने हैं, बुलबुलों से। आगे देखिएगा लाबा, लाबा का पठार। तो लाबा पठार कौन सा हो जाता है, बेसाल्ट लाबा के दरारों से निकलकर दूर दूर तक परत दर परत के रूप में फैलकर ऊंची क्या बनाता है, चबूतरे नुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसे लाबा का पठार कहते हैं। यथा दक्षिण का पठार जो है वो लाबा का पठार ही है। ठीक है भाई, तो ये कैसे बनती है, परतें बन जाती हैं और एक चबूतरा नुमा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, लाभा का पठार कहते हैं। अपना हो जाता है आठवा, आठवीं आकृति कौन सी है, लाभा गुंबद। कौन सी है भाई, लाभा गुंबद। तो लाभा के केंद्रीय उद्गार से निकलने तथा जमने से गुंबदाकार आकृति बन जाती है, जिसका जिसको क्या कहते हैं, लाभा गुंबद कहते हैं। लाभा के केंद्रीय उद्गार से, किससे निकल रहा है, केंद्रीय उद्गार से निकलने एवं जमने से गुंबदाकार आकृति बन जाती है। केंद्र वाले से ध्यान रखना, दरार वाले से नहीं, केंद्र वाले से, इसलिए क्या कहेंगे, लाभा गुंबद कहते हैं। आगे देखते हैं अपना नमा हो जाता है लाभा डाट। कौन सा, लाभा डाट। तो ज्वालामुखी उद्गार के शांत हो जाने पर लाभा उद्गार की नली में लाभा जमकर ठंडा व ठोस हो जाते हैं, तो डाट का काम करता है। किसका, उसको बंद करने का, मतलब डाट का काम करता है, तो लाभा डाट कहलाता है, उसे क्या कहेंगे, लाभा डाट कहेंगे। आगे देखो दसवा कौन सा हो जाता है, दसवे की बात करते हैं, तो दसवा अपना है लाभा के मैदान। तो लाभा के मैदान देख लेते हैं, तो बैसाल्ट लाभा के दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में पतली परत के रूप में जमने से मैदान क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको लाभा का मैदान कहते हैं, जो बाद में फैल जाता है, सभी पतली परत बन जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लाभा का मैदान। आगे देखते हैं, अब देखेंगे नीचे धसे भाग। अब तक क्या देखे, ऊंचे वाले भाग, अब देखेंगे नीचे धसे भाग। तो केंद्रीय उद्गार के नीचे धसे भाग में, केंद्रीय उद्गार के नीचे धसे भाग में मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के भूआकार बनते हैं। यहां पर 10 प्रकार के देखें, आप कम से कम 4 से 5 प्रकार याद कर लेना, अब एक एक दो नीचे वाला भी याद कर लेना। तो पहला हो जाता है क्रेटर, ज्वालामुखी के नीचे धसा हुआ कीपाकार 3 से 5 किलोमीटर व्यास वाला 200 से 500 मीटर गहरा भाग क्रेटर कहलाता है। यही की बात कर रहा है,
और ये ज्वालामुखी ऐसा ही तो होता है ये वाला, तो ये क्या है, ये क्रेटर है, ये क्या है, क्रेटर है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रेटर। ठीक है भाई, कह रहा है तुम्हारा जैसे कि गटमाई, क्राक्टा, ओवेलिस, एनिया, किचक इसी प्रकार के क्रेटर हैं। तो दो के नाम याद आप कर सकते हो या एक का तो नाम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, यहां दे रखा है कैल्डेरा। अरे भी आगे तो निकल गए कहीं, ज्वालामुखी ही है, कुछ और है। अच्छा थर्ड वाला दे रखा है, अपने कौन सा कर रहे हैं भाई, सेकंड वाला ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे फिर तो, है ना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर पहुंच गए थे हम, तो इसको देखने वाले हैं। तो हमारा सेकंड कह रहा है तुम्हारा कौन सा, कैल्डेरा। ठीक है, इसको देखेंगे कैल्डेरा के लिए। तो देखा है तुम्हारा कड़ाव नुमा, किसके कड़ाव नुमा आकृति वाले बहुत बड़े व्यास वाले गहरे खड्ड को क्या कहते हैं भाई, कैल्डेरा कहा जाता है। कभी कभी कैल्डेरा में एक लघु क्रेटर का विकास भी हो जाता है। अलास्का का कौन सा है, अलास्का का हो जाता है कटमाई, बेलिस, जापान का ओसो इसके प्रमुख उदाहरण हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां, कैसी अभ्यांतरिक स्थलाकृतियां, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय गैस, जलवाष्प, लावा, ऊपर की ओर उठते समय ऊपरी कठोर पपड़ी को ना तोड़ पाने के कारण भूगर्भ के पटल की ऊपरी परत के छिद्रों, दरारों, संधियों तथा विद्रो में घुसकर ठंडा ठोस होकर जम जाता है तथा ऊपर नहीं आ पाता, तो इसके अनेक प्रकार की आवृत्तियां स्थलाकृतियां बन जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। अभ्यंतर की स्थलाकृतियां मतलब पृथ्वी के अंदर ही जो ज्वालामुखी नष्ट हो जाते हैं उनकी यहां पर बात हो रही है, और आकृतियां कौन कौन सी बनती हैं इनको देख लेते हैं। पहला हो जाता है अपना कौन सा, बैथोलिथ। तो बैथोलिथ आकृति हो गई, ये क्या है, लेकोलिथ, पैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, डाट, सिट और स्टॉक, ये आकृतियां बनती हैं, इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के विश्व वितरण, अब हम क्या देखेंगे, ज्वालामुखी का विश्व वितरण देखेंगे, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो लास्ट हेडिंग है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो देखा है तुम्हारा सोयर के अनुसार विश्व के लगभग 450 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने हैं, 450 जो हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसके अतिरिक्त शांत एवं प्रसुप्त ज्वालामुखियों की संख्या हजारों में है। शांत और जो प्रसुप्त होते हैं उनकी संख्या कैसी है, हजारों में। अधिकांश ज्वालामुखी पृथ्वी के कमजोर पपड़ी के क्षेत्रों, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों, सागर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पेटियां इस प्रकार हैं। तो पहली हो जाती है परिप्रशांत पेटियां। पहले हम कहां देखेंगे, परिप्रशांत पेटी के लिए देखने वाले हैं। तो पेटियों के बारे में रखा है यहां पर, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी इसके अंदर देख लेते हैं। दक्षिण में अंटार्कटिका के क्या है, एटलस पर्वत, अंटार्कटिका के एटलस पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तटों पर फैले एंड्रीज तथा रॉकी पर्वतमाला से होती हुई कहां जाती है, अलास्का, एशिया के कमचटका, है ना, कमचटका कह सकते हैं, यह कमचटका जापान, फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड तक जाती है। विश्व के दो तिहाई सक्रिय ज्वालामुखी की स्थिति के कारण इस पेटी को अग्नि बलय भी कहते हैं। फिर देखा है तुम्हारा कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, माउंट ताल तथा मियान, सिस्ता, रीनिया सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, दो तीन नाम याद कर लो, बाकी थ्योरी लिख देना, काम खत्म। ठीक है, आगे देखिएगा सेकंड वाला, सेकंड बात रखा है अन्य महासागरीय पेटी। अन्य महासागरीय पेटी, इस पेटी में विश्व के 10% ज्वालामुखी सक्रिय हैं। इसके एंटिलिस, आइसलैंड, सेंट हेलेन, मापेन, एजोर्स प्रमुख हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा मध्य महासागरीय पेटी, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, मध्य महासागरीय पेटी, थोड़ा सा और आगे इनको देख लेते हैं। बात करते हैं आइसलैंड के क्षेत्र में प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड तथा कनारी द्वीप, स्पेन, इटली,
काकेशस हिमालय बर्मा क्षेत्रों से होती हुई दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह तक फैली है। इसमें जो स्टॉम वैली है तथा बिर्स बियस और अपना हो जाता है एटना देमा बेंद कोहो और मुल्तान प्रमुख हैं। ठीक है भाई, सॉरी सुल्तान है, ये मुल्तान नहीं है, सुल्तान दे रखा है। ठीक, कोई बात नहीं, सुल्तान प्रमुख हैं। अब देखते हैं पांचवा, पूर्वी अफ्रीकन पेटी। कौन सा? पूर्वी अफ्रीकन पेटी। बात करते हैं यहां पर किलिमंजारो मेरू एगलन, अपना हो जाता है कैमरून ज्वालामुखी प्रमुख है, जो अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। तो आपको मैन याद कर लेना, दो तीन याद कर लेना, मैन याद कर लो, एक याद कर लो, मैन याद कर लो, कौन सी पेटी, एक याद कर लो, ज्वालामुखी, मैन पेटी एक ज्वालामुखी, मैन पेटी एक ज्वालामुखी। ठीक है भाई, तो पांच पांच हैं तो पांच याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं अन्य क्षेत्र। हिंद महासागर में अपना हो जाता है कौन सा? मेडागास्कर। मॉरिशस प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप। अटलांटिका में अपना होता है रॉस सागर में ज्वालामुखी सक्रिय हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और नोट्स डाउनलोड करना है तो आपको मिलेगा हमारे साइट पर www.paperhacker.in या फिर आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप क्या करेंगे नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर मिलेंगे। मैंने पहले बता रखा है जो यूनिट नंबर 2 है वो थोड़ी हार्ड है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बैगनर वाले में कुछ याद नहीं करना है, बहुत अच्छी प्रकार समझा रखा है। बैगनर और होम्स याद कर लो यूनिट नंबर 2 से, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, काम अपना हो जाएगा। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, तोड़फोड़ कर देना, जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पर पहुंच जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।